नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लहरे में और आप देख रहे हैं द जुमानी शो। और इस वक्त मेरे साथ है जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी। श्वेता जी, वेलकम टू लहरे। साल 2018 खत्म हो चुका है, काफी धमाकेदार साल रहा। जैसे कि आपने कहा, बॉलीवुड के लिए काफी स्पेशल था ये साल। बहुत हिट मूवीज गई, जिस मूवी से उम्मीद नहीं थी उन्होंने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा किया। काफी डेब्यूज, कॉन्ट्रोवर्सीज, सब कुछ था 2018 में। 2019 अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो 2019 बॉलीवुड के लिए कैसा होगा? सबसे पहले तो विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर एंड आप सब लोगों को भी नया साल मुबारक हो। बॉलीवुड के लिए पिछले साल जैसा इंटरेस्टिंग तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, पैसे कमाएंगी मूवीज। क्वालिटी कितनी अच्छी होगी मैं नहीं कह सकती हूँ। लास्ट ईयर हमने क्वालिटी फिल्म्स देखी, इस साल आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द क्वालिटी, बट वन थिंग इज श्योर कि पैसा आता जाएगा इंडस्ट्री में, बिकॉज 2019 इज टोटलिंग टू नंबर 3। लेकिन इट्स नॉट इजी, पैसा कमाना हो या जीना हो, जीना भी इजी नहीं है। सो जो भी पैसा आएगा इंडस्ट्री में, थोड़ा तो उसका भुगतान तो भरना पड़ेगा, थोड़े थोड़े अप डाउन्स। 3 नंबर इज नॉट वेरी इजी, वेरी हार्ड वर्किंग, बट पैसा बहुत आएगा जी। 2019 की बात की जाए तो खान्स को नहीं भूला जा सकता, तो ये साल शाहरुख, सलमान और आमिर के लिए कैसा रहेगा? आई विल से कि 2019 सलमान खान का साल है, क्योंकि सलमान खान का जो नाम है, यहाँ कैमरामैन के पीछे के बहुत बड़ी हंसी मुझे नजर आ रही है, सलमान जी आपका फैन खड़ा है इधर। तो सलमान खान का जो नाम है वो 30 नंबर पे जुड़ के आ रहा है। साल 2019 3 पे है। सलमान खान खुद 27th को बॉर्न है, यानी नंबर 9 है, एंड ही इज राइट नाउ इन हिज 54th ईयर। 5 + 4 = 9 होता है जी। तो ये साल उनके लिए खास रहेगा। भारत अगेन टोटल्स टू नंबर 6 BHARAT। यहां मैं चांस लूंगी, आप में से कोई अगर पॉलिटिकल कनेक्शन है आपके, तो इंडिया को दोबारा भारत कीजिए। दूध की नदियां फिर से बहने लगेंगी, सोने की चिड़िया फिर से उड़ने लगेंगी। सो भारत इज अ बेटर नेम टू कीप फॉर इंडिया देन इंडिया। सो भारत अच्छी जाएगी सलमान खान के लिए। आमिर खान 54th ईयर में है, जो उनके लिए अभी अच्छा नहीं है। आफ्टर हिज बर्थडे देर आर चांसेस ऑफ लिटिल बिट रिस्पाइट फॉर हिम। शाहरुख खान की सल्यूट आ रही है, जो अच्छा करेगी, ही इज गोइंग टू डू, बिकॉज ही इज नंबर 2 मून के हैं। सो मून का आदमी मून पे जाएगा तो अच्छा ही करेगा। सो सल्यूट शुड डू अ गुड, बी अ गुड मूवी फॉर हिम जी। ये तो हो गई बात बॉलीवुड के खानों की, लेकिन ये साल आप कह सकते हैं बहुत सारे न्यू कमर्स ने अपना डेब्यू भी किया था 2018 में, उनकी भी काफी मूवीज आएंगी। तो अगर बात की जाए न्यू कमर्स सारा अली खान की, जानवी कपूर की, तो उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? सारा अली खान, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी, एक साल से हम तुम्हारा बर्थडे फाइंड आउट कर रहे हैं, गूगल पे कहीं नहीं है, पहले बर्थडे डालो सो आई कैन गिव यू अ क्लियर आइडिया, बट आई हर्ड शी इज अ नंबर 3। सो अगर आप 12th ऑगस्ट को पैदा हुए हैं, जैसे हमें खबर मिली है, सो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगी। लेकिन जानवी कपूर इज द वन यू शुड लुक आउट फॉर, मे बी राइट नाउ उन्होंने बहुत सारी फिल्में साइन नहीं की हैं, लेकिन शी इज गोइंग टू डू गुड दिस ईयर विद हर एंडोर्समेंट्स, विद हर पब्लिसिटी, विद हर फैन फॉलोइंग, क्योंकि शी इज अ नंबर 6। 6 मार्च की है जानवी, एंड साल है 2019 जिसका टोटल 3 पे आ रहा है। सो जानवी कपूर से मुझे ज्यादा उम्मीद है जी। साथ ही ऑडियंसेस को क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, किस तरीके की मूवी उन्हें इस बार 2019 में देखने को मिलेगी? बहुत एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, वन टाइम वॉच आप जा सकते हो। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, आई हैव सीन यू नो दिस ईयर देयर इज लॉट ऑफ फाइट, दिस केसरी एंड मेनी मूवीज जिसके अंदर धड़ाम धड़ाम मणिकर्णिका, तो मारधाड़ की मूवीज ज्यादा हैं, एक्शन मूवीज ज्यादा हैं, हिस्टोरिकल्स भी हैं। सो आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू गेट सच गुड मूवीज लाइक लास्ट ईयर, बट या मूवीज आती रहेंगी। कमिंग बैक टू द शो, ये साल 2018 में आपने देखा काफी शादियां हुई, लेकिन न्यूली वेड्स के लिए ये शादी का आप कह सकते हैं पहला साल होगा, तो उनके लिए कैसा होगा? अनुष्का विराट है, दीपिका रणवीर है, प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस है, तो काफी सारे न्यूली वेडेड कपल हैं, तो ये साल उनके लिए कैसा होगा? ये तीनों जोड़ियों को अगर हम देखें, सो आई थिंक प्रियंका चोपड़ा यू आर गोइंग टू रॉक इट, क्योंकि शी इज अ नंबर 9 कैंसेरियन, और हॉलीवुड में आप और भी नाम कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आप एक बेबी भी कर लीजिए एज सून एज पॉसिबल, सो मे बी शी बिकम्स अ मदर, एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग ना
आपकी बड़ी हिट बिगेस्ट जॉय यू कैन एवर गेट बिगर देन योर बिगेस्ट हिट ना. तो प्रियंका चोपड़ा से मुझे उम्मीदें हैं दिस ईयर कंपेयर टू ऑल द अदर पीपल यू हैव नेम्ड शी इज गोइंग टू डू मच बेटर. मे बी शी डज अ वेरी गुड बॉलीवुड मूवी हॉलीवुड मूवी हैव अ बेबी और शी इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द न्यूज बट शी इज गोइंग टू डू गुड. जी विराट अनुष्का की भी अगर बात करें तो ये साल मतलब जब से उनकी शादी हुई है विराट का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है. अनुष्का बेहतरीन एक्टर हैं ही साथ ही साथ. और दीपिका की भी बात की जाए वो फोर्ब्स के लिस्ट में टॉप 5 वुमेन जो रिचेस्ट सेलिब्रिटी है उसके लिस्ट में वो आई. तो ये अब तो देखते रहिए दीपिका कहाँ कहाँ पहुंचती है. उनका एस ऑफ कार्ड तो उनके साथ है किंग ऑफ हार्ट्स है वैसे मगर इक्के का पत्ता है रणवीर सिंह. वंस शी इज मैरिड टू अ नंबर 6 यू हैव टू जस्ट सी द ग्रोथ शी गेट्स. अभी तो कुछ नहीं है. ये तो बात हुई कि जो ऑलरेडी शादी के बंधन में बंध चुके हैं लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जो माना जा रहा है कि 2019 में वो शादी के बंधन में बंध सकते हैं. इनमें से विदाउट गिविंग यू लाइक आपको पहले ही पता होगा हिंट्स देने की भी जरूरत नहीं है. अर्जुन मलाइका को काफी ज्यादा लिंक किया जा रहा है रणवीर आलिया है. तो व्हाट यू थिंक क्या 2019 में दे कैन गेट मैरिड. मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है फ्रॉम अर्जुन एंड मलाइका. नो डाउट इट्स अ ऑड कपल ही इज यंग शी इज ओल्ड शी इज मैरिड व्हाटएवर यू कॉल इट. इवन प्रियंका और निक के बारे में ऐसी बातें की गई थी. मगर जब दो इंसान का बर्थडेट मैच होता है बहुत सारी चीजें मैच हो जाती हैं देन दे कम टुगेदर. आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से दिस बट अमिताभ एंड रेखा जी आर स्टिल टुगेदर. डिम्पल एंड सनी देओल आर स्टिल टुगेदर क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर्स मैच होते हैं. सो वो लोगों को ऊपर वाले के अलावा कोई जुदा नहीं कर सकता है. ऐसा ही कॉम्बिनेशन है मलाइका अरोरा का एंड अर्जुन कपूर का बिकॉज ही इज बॉर्न ऑन 26 विच इज अ नंबर 8 और मलाइका का पूरा बर्थडे जब हम ऐड करते हैं तो 8 पे जोड़ के आता है. बींग अ स्कॉर्पियो शी इज अ वॉटर साइन एंड अर्जुन कपूर कैंसिरियन होने की वजह से ही इज अ वॉटर साइन. अर्जुन कपूर एंड मलाइका का कॉम्बिनेशन अच्छा है बिकॉज स्कॉर्पियो बीइंग वाटर कैंसेरियन बीइंग वाटर 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 मिक्स हो जाता है तो सेपरेट करना मुश्किल होता है एंड नंबर वाइज आल्सो दे आर मैचिंग क्वाइट अ बिट. जी तो 2019 के लिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या विश देना चाहेंगे. आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि ब्लू पर्पल दो कलर्स का यूज ज्यादा कीजिए. अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए. एमेथिस्ट एक स्टोन आता है बहुत सस्ता है नॉट वेरी एक्सपेंसिव. ट्राई टू कीप इट विथ यू. कोई भी स्टोन अपने पास रखने के लिए 8-10 दिन उसको ट्राई करना होता है. अच्छा नहीं लगा तो मत रखिए बिकॉज दे गॉट डिफरेंट वाइब्रेशंस. 24 नंबर तो साल भर हर साल रहेगा दुनिया बदलती रहेगी लेकिन 6 नंबर का पावर हमेशा रहेगा. तो 24 यहाँ लिखिए अपने साउथ वॉल ऑफ एवरी रूम पे लिखिए. एंड जो लोग बिजनेस में हैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज है यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी दिस ईयर स्पेशली पीपल रिलेटेड टू बैंक्स इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज. तो जो चीजें बेचते हैं उनके लिए अच्छा साल है. हैप्पी न्यू ईयर टू यू मैम एंड वी विश ऑल आवर व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड स्टे ट्यून्ड टू लहरें.